अच्छी खासी बाइक है और ये मोबाइल लगाया हुआ है इन्होंने, हेलमेट है और ये पीछे बॉक्स है इनका। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मुझे पाकिस्तानी लड़का मिला है जो रेडरी का काम करता है, तो आज इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है और ये इनकी ज़िंदगी में कौन सी मुश्किल आई हैं, आज इनसे पूछते हैं, इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जीशान अहमद। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। तो आप मुझे बता सकते हो कि आप कहाँ से हो पीछे से? जी भाई भूरा बिहाड़ी से हूँ, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हो? तो आपको यहाँ पे आए हुए कितने साल हो गए? तकरीबन एक साल हो गया है। एक साल हो गया आपको, तो आप जब यहाँ पे आए थे तो आपने क्या मुश्किल? जी बहुत सारी मुश्किल होती है, पहले तो वीज़ा बहुत मुश्किल से लगता है, विज़िट पे तो बिल्कुल आना भी नहीं चाहिए क्योंकि विज़िट वालों का बहुत बुरा हाल है, तो वीज़े पे आना चाहिए। मैं तो वीज़े पे आया था लेकिन फिर भी तकरीबन 6-7 माह लग गया लाइसेंस लेते लेते, बहुत मुश्किल है ये काम। रोज़ की कितने आर्डर निकाल लेते हैं? जी तकरीबन 12-15 आर्डर हो जाते हैं तकरीबन रोज़ के। एक मंथ की कितनी सैलरी आपकी हो जाती है? तकरीबन 4,000-4,500 सैलरी हो जाती है एक मंथ की। तो पाकिस्तानी कितने बनते हैं ये? पाकिस्तानी बन जाता है 2-2.5 लाख, ये रूम का रेंट देना, खाने के पैसे और रूम में रहने का तरीका। सब लोग रूम में अच्छे हो गए तो आप लोग भी सही रहोगे, अगर रूम में बुरे लोग हो गए तो ज़ाहरी बात है आपकी सोहबत पे भी असर पड़ेगा। बहुत मुश्किलात हैं, 8 माह लीलो खवार हो के तो लाइसेंस लिया है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब मंजिल पे ठीक है थोड़ा। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ऐसा वाकई हुआ है कि रोड पे चलते हुए बाइक का? जी बिल्कुल अक्सर हो जाता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो जाती है। कुछ लोग तो वफात पा जाते हैं, सामने एक्सीडेंट होते हैं, आंखों से देखते हैं ये सब कुछ, लेकिन क्या करें फिर रोजी कमाते हैं। आप ऑर्डर देने जाते हैं ठीक है, आपको वहाँ से टिपशिप मिलती है, और अगर आप लेट हो जाएं तो कोई पूछता है आपसे? लेट हो जाएं तो कस्टमर हमें कॉल करेगा, वो पूछेगा क्या मसला, क्या प्रॉब्लम बनी, क्यों लेट हो गए, फिर हम उसे बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है। अगर उसने ऑर्डर ले लिया तो ठीक है, नहीं तो वापस करना पड़ेगा हमें। जो हमारे नए पाकिस्तानी आवाम है जो आना चाहती है तो उनको डिटेल से बता देंगे कितना खर्चा हो जाता है और क्या मुश्किल है? खर्चा तकरीबन 15,000 दिरहम हो जाता है। तो 15,000 कितना बनता है पाकिस्तानी? तकरीबन 7-8 लाख बन जाता है। 7-8 लाख रुपए? बिल्कुल 7-8 लाख रुपया बन जाता है। किसी के पास 7-8 लाख हज़ार है तो वो आ जाए। ये बताएं क्या हुआ? जी आ रहा हूँ अभी रास्ते में। किसका फ़ोन है? कस्टमर का फ़ोन है भाई, मैं ऑर्डर देने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। देख लें पाकिस्तानी वाम रेडरू की ये ज़िंदगी है, ये भी जाने लगे हैं, ऑर्डर इनका आ गया है,